राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे राधा कृष्ण सूर्य देव को जल चढ़ा रहे होते हैं और पूजा कर रहे होते हैं। तभी सूर्य देव कहते हैं, धन्य हो देवी राधा और श्री कृष्ण, आपने अपने पवित्र मुख से मेरा नाम जपकर आज आपने मेरा उद्धार कर दिया और साथ ही मेरे गौरव का विस्तार कर दिया। फिर राधा कहती है सूर्य देव से, आपने सबकी पुकार सुन ली और सभी को आशीर्वाद दे दिया, हमें नहीं देंगे आशीर्वाद सूर्यदेव। तब इसके बाद सूर्यदेव कहते हैं, हे देवी राधा, आप तो जगत जननी है, आप स्वयं देवी लक्ष्मी है, मैं आपको भला क्या आशीर्वाद दूंगा। तब देवी राधा कहती है, अवश्य मुझे आप आशीर्वाद दे सकते हैं, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जरा अभी क्षण द्वारिका को छोड़कर चला जाए, जिससे जो उसके हाथों से अनहोनी होने वाली है वह टल जाए। तब सूर्य देव कहते हैं, मुझे क्षमा करिए देवी राधा, परंतु मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकता, जरा का द्वारिका में आना और इस अनहोनी का आरंभ करना ये तो श्री कृष्ण की इच्छा है, और मैं भला श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस भी कैसे कर सकता हूँ। सूर्यदेव कहते हैं, हे देवी मुझे क्षमा करिए, और सूर्यदेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद आप सब लोग आगे देखेंगे, श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, मृत्यु एक अटल है राधे, भला इसे कौन टाल सकता है। तुम प्रेम की देवी हो राधे, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, उतना प्रेम किसी के हृदय में नहीं है। संसार के हर व्यक्ति और जीव के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम है और सदा रहना चाहिए, चाहे वह कृष्ण हो या जरा क्यों ना हो। और फिर श्री कृष्ण राधा को अपने हाथों से खिलाते हैं और राधा अपने हाथों से श्री कृष्ण को खिलाती है, तभी राधा प्रसन्न हो जाती है। फिर आप सब लोग आके देखेंगे कि बलराम दाऊ श्री कृष्ण और राधा को देख रहे होते हैं, तभी राधा अपने हाथों से श्री कृष्ण के आंसुओं को पोंछ रही होती है। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैं आप सब द्वारिकावासी से निवेदन करता हूँ, ये हमारी द्वारिका नगरी, ये अल्पम प्रेम की परिभाषा है, और हम सभी के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम रहा है और इसी प्रेम से हम हर कार्य को करते आ रहे हैं और यही प्रेम सदैव रहने चाहिए। आप सबसे निवेदन है कि एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रहिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिवार में मतभेद होते हैं और सुख दुख भी होते हैं, किंतु उसे सुलझाया जा सकते हैं प्रेम से, और मेरा आप सबसे यही निवेदन है। तभी बलराम दाऊ सुन रहे होते हैं और कहते हैं, कान्हा ये तुम क्या कह रहे हो, सभी द्वारिकावासी को इतना गहरा संदेश क्यों दे रहे हो, इसके पहले तो कभी नहीं दिया। और कहते हैं, अवश्य ही कोई चिंता का विषय है। और दाऊ कहते हैं, कान्हा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ विशेष बात करनी है। तभी जरा श्याम को देखता है और कहता है, सुनिए आप तो श्री कृष्ण के पुत्र हैं ना। तब श्याम कहता है, हाँ जी मैं ही श्याम हूँ, किंतु पूजन के समय मैं आपके माथे पर एक विचित्र सा तीर देखा था, यह अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होता है मुझे, आप मुझे बता सकते हैं ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। फिर जरा कहता है, इस तीर का निर्माण मैंने स्वयं अपने हाथों से किया है। फिर श्याम कहता है, क्या आप ठीक ऐसे ही मेरे लिए भी एक तीर बना सकते हैं। तभी जरा बताता है, ये तीर दुर्लभ धातु से बना है, ये धातु मुझे अकस्मात प्राप्त हुआ और मुझे नहीं लगता संसार में ऐसा दुर्लभ धातु मिलना संभव है, मेरे लिए एक ऐसा ही तीर बनाना असंभव है। फिर श्याम कहता है, एक काम करिए, मुझे ये आप बेच दीजिए, बताइए इसका मूल्य क्या होगा, मैं आपको दे दूंगा। फिर जरा कहता है कि क्षमा करिए आप मुझे, किंतु मैं ये तीर आपको नहीं दे सकता, मैं ये तीर श्री कृष्ण के लिए बनाया हूँ और मैं उन्हें ही ये तीर उपहार में भेंट करने के लिए द्वारिका में आया हूँ। और फिर वहाँ से जरा आज्ञा लेके चला जाता है। फिर आप सब लोग आगे देखेंगे कि फिर श्याम सोच रहा होता है, वैसे ही पिताश्री के पास बहुत सारे दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर इस वस्तु की उनको क्या जरूरत है, पर मैं इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को सज्ज हूँ।
फिर इसके आगे का एपिसोड दोस्तों आप सब लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।